Good morning, students. Today in this video, I am going to teach you chapter 4, The Ashes That Mad Trees Do. This was written by William Elliot Griffiths. Griffiths mostly writes fairy tales and story books for children. Fairy tales are the story, fanciful story for children. Fairy tales बच्चों के लिए लिखी जाने वाली कहानियाँ होती हैं. This is a Japanese story. एक Japanese story है, The Ashes That Mad Trees Do. Here, the story is about an honest and hardworking old couple and their pet dog. ये story एक honest और hardworking pet old couple की है और उनका एक pet dog होता है. The neighbors are troublesome. जो neighbors होते हैं वो परेशान करने वाले होते हैं. And the dog dies a sad death. और dog की death हो जाती है. डॉग को मार देते हैं, जो उसके नेबर्स होते हैं वो मार देते हैं. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे. और जो स्पिरिट है, सॉल है डॉग की, गिव्स सोलेस उसे कंफर्ट देती है, सपोर्ट देती है टू हिज मास्टर उसके मास्टर को इन अनएक्सपेक्टेड वे, अनएक्सपेक्टेड तरीकों से. लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द चैप्टर. In the good old days of the daimyos, 19th century की बात है, जब old days of daimyos, daimyos is a landowners कहा जाता है, को कहा जाता है daimyos in Japan, Japan में. There lived an old couple, एक old couple था, whose only pet was a little dog, जिनका एक pet था, एक little dog था. Having no children, उस old couple के कोई baby नहीं था. They loved it as though it were a baby. वो उसे वैसा ही प्यार करते थे जैसा उनके बेबी को. The old dam made it a cushion of blue crab. उस old dam ने, dam is the old lady, उस लेडी ने उसके लिए एक कुशन बनाया of blue crab, blue कलर के crab material से. And at meal time Muko, और meal time में Muko, Muko is the name of the dog, that was its name, उसका नाम था dog का, would sit on it as snug as any cat, वो उसी आराम से बैठता था, as comfortable as any cat, कोई भी cat. The kind people fed the pet with tidbit of fish, और kind people जो kind hearted persons थे वो उसे खाना खिलाते थे. Tidbits mean small pieces of fish from their own chopsticks, अपनी chopsticks से. And all the boiled rice, और उतने ही boiled rice देते थे it wanted, जितना वो चाहता था. The stricted, the dumb creature loved its protector like a being with a soul. वो उस dumb creature को, जो creature को, dumb creature जो कुछ बोल नहीं सकता, unable to speak, loved it, वैसे ही प्यार करते थे, its protector like a being with a soul, कि वो इंसानों की तरह, लाइक बींग अ विद अ सॉल, ह्यूमन बींग हो, लाइक ए ह्यूमन बींग की तरह उसे वैसा ही बिहेवियर करते थे उसके साथ. द ओल्ड मैन बींग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद अ हॉर्स पैड इन टू द फील्ड्स वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटोसामा एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. सो हियर द ओल्ड मैन, जो ओल्ड व्यक्ति है, मैन है, बींग अ राइस फार्मर, जो कि चावल की खेती करता है. वैन डेली, रोज जाता है विद अ हॉर्स पैड. हॉर्स पैड इंस्ट्रूमेंट है जो खेती करने के लिए काम आते हैं, वो लेकर वो फील्ड्स में जाता है, खेतों में जाता है. वर्किंग हार्ड, और बहुत हार्ड वर्क करता है. फ्रॉम मॉर्निंग से अनटिल ओ टेंटोसामा, जब तक कि टेंटोसामा, ओ टेंटोसामा ये जापानीज में सन को कहा जाता है, टेंटोसामा, जब तक कि सन सेट नहीं हो जाता. और मीन इट हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हील्स, हील के पीछे छुप नहीं जाता तब तक. ओल्ड मैन बहुत हार्ड वर्क करता है. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. हर दिन डॉग अपने ऑनर के साथ, ओल्ड मैन के साथ डेली खेतों में जाता है. नेवर वंस, कभी भी, हार्मिंग द वाइट हेरन दैट वॉक इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स. तो कभी भी जो वाइट हेरन है, हेरन इज द लार्ज वाटर बर्ड, उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाता है
और जो ओल्ड मैन के स्टेप्स हैं उनके साथ वो चलता है, उसके पीछे पीछे आता है. फॉर व्हाट? टू पिक अप द वॉर्म्स, वॉर्म्स को खाने के लिए. वॉर्म्स इज द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को खाने के लिए आता था. फॉर द ओल्ड फेलो, जो ओल्ड फेलो है वॉज अ पैशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग. वो बहुत कूल पर्सन है. पैशेंट मीन कूल, हु हैज़ पैशेंस, जिसके मतलब धैर्य है उनके अंदर. एंड काइंड, और वो बहुत दयालु है. टू एवरीथिंग डैट हैड लाइफ, जो भी उनकी लाइफ में है. ऑफन टर्न अप अ सॉर्ड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वह हर दिन जानबूझकर बर्ड्स को खाने के लिए अक्सर सॉर्ड पर मिट्टी के जो पीसेस हैं, मतलब पीस ऑफ अर्थ, उनको पलट देता है, टर्न अप कर देता है, ताकि वो लोग उनको वहाँ फूड मिल सके. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन डॉग उनके पास भागते हुए आता है. पुटिंग हिज पॉ अगेंस्ट हिज लेग, और वह अपने पंजों को अपनी टांगों पर रखकर सिर को हिलाकर मोशनिंग विद हिज हैट टू सम स्पॉट बिहाइंड, और वो उसे कुछ एक स्पॉट पर लेके जाने के लिए इशारे करता है. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज प्लेइंग एंड डिडंट माइंड इट. पहले तो ओल्ड मैन सोचता है कि ये शायद खेल रहा है. द पेट वॉज प्लेइंग एंड डिडंट माइंड इट, और उस पर ध्यान नहीं दिया. बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग, लेकिन वो जो डॉग था kept on whining. Whining mean complain करना. Running और भाग रहा है. टू एंड फ्रो मीन हियर एंड देयर. फॉर सम मिनट्स, कुछ टाइम तक. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स, और फिर वो ओल्ड मैन थोड़ी दूर तक उसके साथ जाता है. टू अ प्लेस, उसी प्लेस पर वेयर द एनिमल बिगन अ लाइवली स्क्रैचिंग, जहाँ पर एनिमल लाइवली उसके सामने ही जील विद अ फुल एंथुजियाज्म के साथ स्क्रैचिंग करना स्टार्ट करता है. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरिड बोन और अ बिट ऑफ फिश, उसे लगता है शायद यहाँ पर एक दफना हुआ है, बोन दफनी हुई है या बिट ऑफ ए फिश है यहाँ पर, इसलिए वो स्क्रैच कर रहा है. द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, ओल्ड मैन अपने हो से उस अर्थ को हिट करता है. वैन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, तो उसके उस वो सरप्राइज हो जाता है कि उसके सामने पाइल ऑफ गोल्ड, सोने का ढेर रखा हुआ है. ग्लिम्ड बिफोर हिम, जो बहुत चमकता हुआ उसे नज़र आया उसके सामने. दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मैट रिच, और एक घंटे में ही ओल्ड कपल बहुत रिच हो गए. द गुड सॉल बॉट अ पीस ऑफ लैंड, और गुड सॉल यहाँ ओल्ड पर्सन ओल्ड कपल के लिए आया. उन ओल्ड कपल ने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा, एक खेत खरीदा. मेड अ फीस फॉर देयर फ्रेंड्स, और एक पार्टी का को ऑर्गेनाइज किया अपने फ्रेंड्स के लिए. गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और बहुत ज़्यादा पैसा अपने पड़ोसी जो गरीब थे उनको दिया. एज़ फॉर द डॉग, डॉग के लिए दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मॉदर्ड. जब पैटेड हिम मीन यहाँ पर उसे बहुत प्यार से रखा, और नियरली स्मॉदर्ड हिम विद द काइंडनेस. स्मॉदर्ड मीन प्रेज्ड हार्ट, उसे काफ़ी सपोर्ट किया, उसे थपथपाया विद काइंडनेस, और उसे बहुत ज़्यादा लव किया. नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, वहीं पर उसी विलेज में एक ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहती थी. नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, न तो वो सेंसिटिव थे और न ही काइंड हार्टेड थे. हु हैड ऑलवेज विक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स वेन एवर एन पास्ट देयर हाउस. हु हैड ऑलवेज किक्ड, वो हमेशा किक्ड, किक्ड मतलब यहाँ पे उनको भगाना, डॉग्स को भगाते थे, मारते थे. एंड स्कॉल्डेड, डांटते थे. वेन एवर एन पास्ट देयर हाउस, जो भी उनके घर के पास से निकलता था. हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, जैसे ही वो नेबर्स का गुड लक सुना, दे कॉक्स द डॉग, उन्होंने डॉग को अपने पास बहलाना फुसलाना स्टार्ट कर दिया. कॉक्स मीन परसुएडेड, उसे फुसलाया, बुलाया अपने घर में. इनटू देयर गार्डन, अपने गार्डन में. सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने बहुत सा बिट्स ऑफ फिश रखे, मछली के बहुत सारे टुकड़े, बिट्स एंड अदर डेंटीज. डेंटीज मीन टेस्टी डिशेस, और टेस्टी डिशेस रखी उसके लिए. हॉपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, और इस आशा के साथ कि वो भी उन्हें कुछ खजाना वजाना दे देगा. बट द डॉग, जो डॉग था, बींग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर, वो
उस क्रूर पेयर जो कपल था, वो जो अच्छे कपल नहीं थे, उनसे बहुत डर रहा था। वो नाइदर इट नॉर मूव, न तो उनका उसने कुछ खाया, न ही वहाँ से हिला डुला। देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ डोर, वो घसीटते हुए दरवाजे से बाहर ले गए। टेकिंग अ स्पैड एंड होप विद देम, साथ में स्पैड और हो भी ले लिया। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री, जैसे ही डॉग पाइन ट्री के पास पहुँचा इन द गार्डन, देन ही बिगेन टू पो एंड स्क्रेच, उसने डिगिंग करना स्टार्ट कर दिया। पो एंड स्क्रेच मी ही स्टार्टेड डिगिंग द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बिने, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारा खजाना रखा हुआ था। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पैड एंड हो, कि मुझे स्पैड और हो दो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल। ग्रीडी ओल्ड फूल, लालची ओल्ड फूल ने कहा उस पर्सन ने। एज ही डांस विद द जॉय, वह खुशी से डांस करने लगा। देन द कॉविटियस ओल्ड फेलो, जो कॉविटियस, कॉविटियस मीन ग्रीडी ओल्ड फेलो पर्सन विद अ स्पैड, स्पैड के साथ आए थे। एंड द ओल्ड क्रॉन, जो उसकी वाइफ थी, क्रॉन मीन ओल्ड लेडी, विद अ हो के साथ आई। बिगेन टू डिग, उन्होंने स्टार्ट किया डिगिंग करना, खोदना। बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। बट अ डैट किटन, सिर्फ एक डैट किटन थी। द स्मेल ऑफ विच मेट देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, और उसकी स्मेल से उन्होंने अपने टूल्स वहीं छोड़ दिए एंड शट देयर नोजेस, एंड दे हैव जस्ट क्लोज देयर नोजेस, अपनी नाक बंद की। फ्यूरियस एट द डॉग, और वो डॉग के ऊपर बहुत गुस्सा हुए। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बिट हिम टू डेथ, और ओल्ड मैन ने उसे बहुत मारा और उसकी डेथ हो गई। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद अ शार्प हुक, और ओल्ड वुमन ने उस डॉग को अपना काम कैसे फिनिश किया, उसने उसको उसके सर काट दिया विद अ शार्प हुक। And they then flung him into the hall, और उसे बाद में दोनों ने मिलकर उस छेद में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। And heaped the earth over the carcass, और उसने उन लोगों ने उसकी डेड बॉडी पर मिट्टी डाल दी। The owner of the dog heard of the death of his pet, जो owner था dog का, उसने अपने pet की death की news सुनी। एंड मॉर्निंग फॉर हेम, और वो वैसे रोते हुए आया। मॉर्निंग में लेमेंटिंग, रोते हुए आना। फॉर हेम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि वो उसका खुद का बेबी हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और वो पाइन ट्री के नीचे गया रात को। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और उसने कुछ बैम्बू ट्यूब्स हॉलो पीसेस, नली वहाँ रखी। सच एज आर यूज बिफोर टूम्स, जो टूम्स के पहले यूज होते होने के लिए। टूम्स एज द ग्रेवयार्ड, ग्रेव्स कब्र, इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, जिसमें वो कुछ फ्रेश फ्लावर रखेगा। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, और उसने एक कप ऑफ वाटर रखा। एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और एक ट्रे रखी जिसमें फूड रखा था ऑन द ग्रेव, उसकी कब्र पर। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और बहुत सारी कॉस्टली महंगी स्टिक्स ऑफ इंसेंस, सेंटेड स्टिक्स वहाँ पर जलाने के लिए रखी, अगरबत्तियाँ बहुत सारी महंगी उन्होंने रखी। ही मॉन अ ग्रेट वाइल, वो बहुत लंबे टाइम तक रोता रहा। अ वाइल ओवर इज पैट, अपने पैट के लिए। कॉलिंग हिम मैनी डियर्स नेम, और उसे अलग अलग बहुत अच्छे, मतलब उसको प्यार भरे नामों से उसे बुलाने लगा। एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो अभी भी जिंदा हो। डैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माय ग्रेव, मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल्क फॉर योर बीन सॉस। सो उस रात डॉग की जो स्पिरिट है, सो सॉल है, उस ओल्ड मैन के ड्रम में आई और उसे कहा, कट डाउन द पाइन ट्री, उस पाइन ट्री को जो मेरी ग्रेव पर है उसे काट दीजिए, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार, और उससे आप एक मोर्टार बनाइए। मोर्टार इज अ बाउल टू क्रश समथिंग, और जो मोर्टार बनाइए फॉर योर राइस पेस्ट्री, राइस पेस्ट्री के लिए। एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और एक मिल बनाइए, एक चक्की बनाइए बीन सॉस के लिए। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, ओल्ड मैन ने उस ट्री को कट किया। एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक, और उसका एक बड़ा सा बीच में से ट्रंक से
उसका पार्ट काट दिया अबाउट 2 फिट लॉन्ग, जो 2 फिट लंबा था। विथ ग्रेट लेबर, बहुत मेहनत से, पार्टली बाय फायर, आग जलाकर, एंड पार्टली बाय द चिजल्स, और चिजल से कट करके, ही स्क्रैप्ड आउट ए हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। और उसने बहुत मेहनत से चिजल से, छेनी से और कुछ आग लगाकर एक कटोरे, छोटे से कटोरे जैसा गहरा सा उसने एक बाउल बनाया। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड। उसने एक लॉन्ग हैंडल हैमर बनाया जो लकड़ी का था, सच एज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जो पाउंडिंग राइस को क्रश करने के लिए यूज़ किया। वैन न्यू ईयर्स टाइम ड्यू नियर, जैसे ही न्यू ईयर टाइम आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उसने सोचा कुछ राइस पेस्ट्री बनाई जाए। वैन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब राइस सारे बॉइल्ड हो गए, ग्रैनी पोटैटो इन टू द मोर्टार, उसने मोर्टार में डाला। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास, उसने हैमर को उठाया टू पाउंड द मास, उसको और ज़्यादा क्रश करने के लिए, इन टू डॉ, और डॉ में टर्न करने के लिए। द ब्लॉस फेल हैवी, और ज़्यादा उस पर हैवी ब्लॉक किया, एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर पैकिंग, जब तक कि पेस्ट्री रेडी नहीं हो जाती। सडनली द होल मास टर्न इन टू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, और सारा ही जितना भी वो मास था, मटीरियल था, गोल्ड कॉइन्स में बदल गया। व्हेन द ओल्ड मैन टुक द हैंड मिल, जब ओल्ड मैन ने वो हैंड मिल ली, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, और उसे बीन्स से भरा, बिगेन टू ग्रिंड, और उसे ग्रिंड करना जैसे स्टार्ट किया, द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, और वह जैसे उसमें से गोल्ड गिरने लगा, जस्ट लाइक अ रेन, बारिश की तरह, तो उसमें सोना इतना सारा गिरने लगा। Meanwhile, the envious neighbor peered in at the window. उन लोगों ने ये सारी चीज़ें विंडो से देखी। When the boiled beans were being ground, जब बॉइल्स जो बीन्स थे, जब उनको क्रश किया जा रहा था। Goody me, cried the old hag. हे भगवान, वो ओल्ड वुमेन चिल्लाई, हैग मीन ओल्ड वुमेन, एज शी सो ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इन टू येलो गोल्ड, उसने देखा किस तरीके से सॉस येलो गोल्ड में बदल रही है, मतलब सॉस सोने में बदल रही है। अनटिल इन अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर में, द ट्यूब अंडर द मील वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, कुछ मिनट में वो चक्की के नीचे के ट्यूब सारे सोने से भर गई। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, ओल्ड कपल फिर से अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड वीक नेबर कैम, स्टिंगी कंजूस और विक्ट बुरे evil minded कपल फिर से आए, borrowed the mortar and magic meal, और उन्होंने दोबारा से mortar और magic meal को उधार के लिए मांगा। they filled one with boiled rice, और उन्होंने उसे boiled rice से भरा, other with the beans, और दूसरे को beans से। then the old man began to pound, और old man ने उसे कूटना start किया, and the women to grin, और women ने ग्रिंड करना स्टार्ट किया, पीसना स्टार्ट किया। बट एट फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फॉल मॉस ऑफ वर्म्स, जैसे ही उन्होंने कूटना स्टार्ट किया, वैसे ही पेस्ट्री और सॉस बदल गए मास ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स हो गए, और इट क्रिएट्स सो मच बैड स्मेल। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, फिर से वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। दे चॉप द मील इनटू पीसेस, उन्होंने उस मील को टुकड़ों में बांट दिया, एंड टू यूज़ एज फायरवुड, और उसे एज अ फायरवुड उन्होंने यूज़ किया।